फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फ्रेंड्स चांदी के बर्तन चुटकियों में साफ करना बताऊंगी। तो सबसे पहले एक भगोने में पानी बॉईल करने को चढ़ा देते हैं और चार एल्युमिनियम फॉयल को टुकड़ों में करके उसका रोल बना लेते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम फॉयल हमारी गंदगी को खींचता है, चांदी के जो बर्तन काले पड़ जाते हैं। तो इसको रोल बनाकर और उसी उबलते पानी में हम छोड़ देते हैं उसमें एक एक करके। तो इसको देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, और इसी बॉइल्ड पानी में इसको डाल देते हैं और रियली फ्रेंड बहुत अच्छा साफ हो जाता है। मेरा 22 साल पुराना चांदी का बर्तन बिल्कुल एकदम चमक चुका है। और बस इसमें मैं सारे बर्तन इसमें छोड़ दी हूँ, 15 मिनट तक इसको बॉइल्ड होने दूंगी, 15 से 20 मिनट तक। तो देखिए कैसे इसकी गंदगी निकल रही है। और ट्रे को मैं पलट पलट करके ऐसे ही कर देती हूँ, ये देखिए फॉइल बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। और बस मेरा 15 मिनट हो गया और मैं सारे बर्तन निकाल लूंगी इसमें से। ये देखिए फॉइल बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, बिल्कुल ब्लैक हो गया है फॉइल। तो ये रहा मेरा बर्तन। तो अभी इसको मैं और करूंगी क्योंकि अभी ये ठीक से साफ नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं ये बेकिंग सोडा है जो हम लोग छोले वगैरह में डालते हैं ना, वही वाला बेकिंग सोडा। और ये कटी हुई आधी नींबू, तो इसमें सोडे में नींबू को डिप करके, और जो ट्रे है मेरा, ग्लास है, जो भी आपके पास, जो भी ठाकुर जी होते हैं, लक्ष्मी गणेश होते हैं, उस सबको ऐसी प्रोसेस से आप साफ करेंगे तो बिल्कुल साफ हो जाता है। तो इसको मैं रगड़ दूंगी धीरे धीरे करके। आप पायल, ज्वेलरी, कुछ भी होता है, सब इसी प्रोसेस से साफ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये अवेलेबल था, इतना ही था, तो मैं ये साफ कर रही हूँ। ये आपको पता ही है, मैं अपने वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ कि ये मेरे शादी का है ट्रे और ये सब जितने हैं पान सुपाड़ी। तो देखिए ट्रे मेरा अभी बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, पहले से साफ तो हो गया है। तो ये कोलगेट या कोलगेट पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोलगेट क्रीम भी कर सकते हैं जो आता है पेस्ट। तो इसको मैं लगा देती हूँ पूरे ट्रे में। और जो मेरा चांदी का पान सुपारी है उसमें ये मैं नहीं लगाई हूँ क्योंकि उसमें ज़रूरत नहीं है लगाने का। ट्रे मेरा खासकर बहुत ज़्यादा काला हो गया था तो उसमें मैं लगा दे रही हूँ। तो जहाँ जहाँ, और कोलगेट पाउडर भी अगर आपके पास हो फ्रेंड्स तो आप उसको भी लगा सकते हैं। ये देखिए मेरा पूरा लग चुका है, मैं पीछे भी लगा देती हूँ क्योंकि मेरा पीछे भी काफी बहुत दिन से ये रखा था और ग्लास में भी मैं लगा दी। इसको छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए लगाकर और फिर वॉश कर लेते हैं 1 घंटे बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स कैसे चमक लग रहा है ना, बिल्कुल नया। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।